दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आपका अभी रेडमी 9A जो मोबाइल है जो कि मीडियाटेक आईसी है, जिस तरह की रेडमी 6A में मीडियाटेक आईसी है उसी तरह रेडमी 9A में भी मीडियाटेक आईसी है और इस मॉडल को जो है मेडिकल में दिया हुआ है और ये एक कस्टमर का जो है कंप्यूटर है, मैं अभी ऑनलाइन हूँ उनके कंप्यूटर पर, उनके पास मेडिकल भी है और अनलॉक टूल भी मैंने इन्हें दिया है। तो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल में मॉडल नंबर दिया हुआ है रेडमी 9A का और मैं यहाँ से इसे फॉर्मेट कर रहा हूँ या FRP या पेन पैटर्न कुछ भी यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये एरर मार रहा है, ठीक है, बूट डाटा एरर दे रहा है और मॉडल नंबर जबकि दिया हुआ है इसमें फिर भी नहीं हो रहा है। और इसी मॉडल को अभी मैं आपको दिखाऊंगा अनलॉक टूल में किस तरह से आप बहुत ही आसानी से वन क्लिक में आप MI अकाउंट, FRP, फैक्ट्री रिसेट कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत ही आसानी से। चलिए तो दोस्तों अभी जो है हम अल्टा वीवर एनीडेस्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट हैं और इनके कंप्यूटर में जो है ये अनलॉक टूल भी है, इनके इनके पास UMT भी है, इनके पास मेडिकल भी है। इन्होंने पूरा ट्राई किया अपना UMT मेडिकल में, परेशान हो गया, हम भी देखे नहीं हुआ, ठीक है, तब जाकर के हमने इसे जो है अनलॉक टूल से अनलॉक करके दिया और अनलॉक टूल इन्होंने हमसे लिया है, ठीक है। और मैं इस मोबाइल को बहुत ही आसानी से आपको अनलॉक करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अनलॉक टूल की वेबसाइट पर जितने भी मॉडल दिया हुआ होता है एक भी मॉडल फेक नहीं होगा। जो मॉडल अगर उसकी वेबसाइट पर दे दिया है तो 100% उस मोबाइल को अनलॉक होना है। मेडिकल UMT की तरह नहीं है कि मॉडल नंबर दे दिया है वेबसाइट पर, अपडेट दे दिया है लेकिन हो नहीं रहा है, हकीकत में जो जब करते हैं तो होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है अनलॉक टूल। अनलॉक टूल में जो मॉडल दे दिया तो उसको होना ही होना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडमी 9A को मुझे जो है अनलॉक करना है MI अकाउंट और MTK टूल मैंने सेलेक्ट किया अनलॉक टूल में, उसके बाद यहाँ पे सर्वर पर चेक लगाया था और उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे रेडमी 9A और कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ पे देखते हैं MI क्लाउड का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, इस पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे प्रोसेस चलेगा ऑनलाइन, रिसेट MI क्लाउड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। जब यहाँ पर लिखेगा आपके टूल में वेटिंग फॉर डिवाइस लिखेगा तो मोबाइल को आपको ऑफ करना है और वॉल्यूम प्लस माइनस कंटिन्यू सेम टाइम प्रेस करके केबल लगाना है और जैसे आप केबल लगाओगे मोबाइल बूट करेगा, बहुत ही आसानी से अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, रिसेट MI क्लोड, उसके बाद इरेज FRP, फैक्ट्री रिसेट, तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपका आसानी से काम करेगा, बहुत ही आसानी से आप MI अकाउंट आप अनलॉक कर सकते हो इस टूल से। दोस्तों डिस्प्ले पर मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है और आप जितने भी लोग अनलॉक टूल हमसे लिए हैं कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कॉल करिए। किसी भी मोबाइल को अनलॉक करने में अगर आपको परेशानी हो रहा तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे अनलॉक करना है अनलॉक टूल से, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।